सो है गाइस, स्वागत है आपका ट्रिक अनबॉक्सर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक माउस का, जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया है। तो ये जो माउस है वो मुझे कितने का मिला, क्या प्राइस है इसकी, वो तो हम आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये जो माउस है इसको मैं अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप अपने फ़ोन के लिए कोई माउस खरीदने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन के साथ माउस को किसी भी कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बिना देर के फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह से पैकेजिंग आता है, तो हमें इसको यहाँ पर ओपन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से अंदर एक बक्सा मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है वो मतलब बिल है, तो इसको हम बाजू में रखते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास जो है इस तरह का बॉक्स मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका जो प्लास्टिक का कवर है उसको निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो माउस है वो डेल कंपनी का है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो माउस है इसके ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। यहाँ पर अगर मैं आपको इसका प्राइस दिखाऊँ तो इसका जो MRP है वो 650 रुपये है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन ये जो अमेज़ॉन पर मुझे 300 रुपये का मिला डिलीवर चार्ज छोड़ के, तो आप जो है प्राइस देख लेना, कम ज़्यादा होता रहता है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर और देखिए, तो यहाँ पर कुछ चाइनीज़ में लिखा है शायद। तो हम सीधा इसको आप अनबॉक्स ओपन करेंगे, तो देखते हैं अंदर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर और भी एक बॉक्स मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही मतलब अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको हमारा जो माउस है वो मिल जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा बाजू में रख देता हूँ और देखते हैं इसमें और क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है यूजर मैनुअल मिल जाता है, तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो या फिर इसको मैं बाजू में रख देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी। तो ये रहा हमारा माउस, तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो इसका जो प्लास्टिक कवर है इसको मैं निकाल देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर माउस मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जो लाइट है, सेंसर वगैरह है, वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको डेल की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो क्लिक है वो बहुत ही अच्छे से आपको यूज़ कर पाते हो। यहाँ पर अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा है तो आप सुन सकते हो। और यहाँ पर आपको ये जो स्क्रॉलिंग व्हील है वो बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर मिल जाता है, तो आप बहुत ही आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसका जो वायर है वो भी बहुत बड़ी वायर आपको मिल जाती है, बहुत अच्छी खासी लेंथ आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो वायर की लेंथ है वो बहुत ही अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको इसकी लेंथ को लेकर कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आने वाला, तो बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पर लंबी वायर मिल जाती है। तो अभी हम इसको फ़ोन से कनेक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोन से आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको भी जानना है किसी भी माउस को आप फ़ोन में कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना फ़ोन ले लेता हूँ। और यहाँ पर आपको और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है OTG पिन। तो आप जो है इसको अपने लोकल शॉप से ले सकते हो, आपको ये 40-50 रुपये में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन लोगे तो आपको ये थोड़ा जो है महंगा पड़ सकता है, तो आप जो है इसको ऑफलाइन ही ले सकते हो, लोकल शॉप में किसी भी मोबाइल शॉप में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये जो पिन है इसको लेने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग का जो पोर्ट है वो अगर आपका टाइप सी वाला है, तो आपको टाइप सी वाला है OTG पिन लेना है। तो उसके बाद आपका जो है फ़ोन में आपको इसको लगा दीजिए, जहाँ पर आप चार्जिंग पिन लगाते हो। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो पिन है इसको आपको यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो लेकिन अभी भी यहाँ पर लाइट नहीं जली है, तो अगर आपके फ़ोन में इस तरह से कनेक्ट नहीं होगा तो आपको इसमें एक सेटिंग करनी होगी अपने फ़ोन में। तो उसके लिए यहाँ पर आप अपने फ़ोन की जो सेटिंग है उसको ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का जो सेटिंग है इसको आप ओपन कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सर्च करना है जिसका नाम है OTG। तो जैसे आप OTG लिख के सर्च करोगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा OTG कनेक्शन का। तो आप इसको ऑन कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर OTG कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको जो है इसको ऑन करना है। तो हर फोन में जो है अलग अलग हो सकता है, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। तो जैसे आप इसको ऑन करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट जल गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो माउस है वो अभी ठीक से काम करने लग गया हमारे फ़ोन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो कर्सर है वो भी शो कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर बैक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो माउस है वो ठीक से काम करने लग गया। तो अगर आपके फ़ोन में भी जो है माउस जो है चालू नहीं हो रहा, तो आप इस सेटिंग को सबसे पहले ऑन कर दीजिए, उसके बाद आपके फ़ोन में भी जो माउस है वो काम करने लग जाएगा।
तो यहाँ पर अगर आपको कोई एप्लीकेशन को ओपन करना है तो सिंपल से आपको जो है इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन से माउस को यूज़ कर सकते हो। अगर आप भी इस माउस को जो है ख़रीदना चाहते हो तो आपको इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जो है इसको ले सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।